और देखिए गाइड उसको किया जाता है जो गाइड होने के लिए तैयार होता है। बड़ा आदमी वो बनता है जो स्ट्रगल करता है। जितनी आप चीज़ों को सीखेंगे उतनी आपकी खूबियाँ बढ़ती जाएंगी। किसी खेल के साथ अपने आप को जोड़ें। ये नहीं हो सकता कि आप जो है बनना कुछ चाहते हैं और कर कुछ और रहे। तो ये जो लड़ाई है ना बड़े आदमी बनने की, ये कोई पैरों और हाथों से नहीं लड़नी हमने, ये दिमाग से लड़नी है। यहाँ से जो लड़ेगा ना वो जीतेगा। बड़ा आदमी बनने के लिए ना सिर्फ पढ़ना नहीं होता, ठीक है पढ़ते तो हम सब ही हैं ना, लेकिन हर बंदा तो पढ़ लिख के बड़ा कुछ नहीं बन जाता ना, कुछ पढ़ते हैं कुछ नहीं बनते हैं। पढ़ना एक सीढ़ी है, ठीक है एक स्टेप है पढ़ना, फिर उसको अच्छे नंबर से पास करना ये दूसरा स्टेप है, फिर अच्छी पोजीशन लेकर उस जगह पे जाना जो भी आपने बातें की अपनी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ये तीसरा स्टेप है, ठीक है। लेकिन याद रखिए बड़ा आदमी वो बनता है जो स्ट्रगल करता है, जद्दोजहद करता है, मेहनत करता है, हाँ जिसके अंदर लगन होती है, शौक होता है, जुनून होता है किस बनने का। जैसे तुमने कहा ना कि बाबर आजम, तो बाबर आजम में एक जुनून था क्रिकेटर बनने का। वो पता है बाउंड्री के बाहर खड़े होकर गेंदे पकड़ता था, पता है ना आपको, वो पहले गेंदे पकड़ता था जो ग्राउंड के अंदर आखिर में होते हैं, वो गेंद पकड़ पकड़ के पकड़ाता था। हाँ उसको नहीं पता था कभी वो क्रिकेटर बन जाएगा, लेकिन उसको जुनून था, शौक था। आहिस्ता 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 वो इतना बड़ा क्रिकेटर बन गया कि पाकिस्तान के क्रिकेट टीम का कप्तान बन गया है और वर्ल्ड नंबर वन प्लेयर है। किसी भी शोबे में आप जाएंगे, चाहे आप टीचर बने, चाहे आप डॉक्टर बने, चाहे आप इंजीनियर बने, चाहे आप स्पोर्ट्स में जाएं, चाहे आप साइकोलॉजी में जाएं, चाहे आप इंजीनियरिंग में जाएं, जिस भी शोबे में जाएंगे, अगर आपका ख्याल ये है कि आप बग़ैर मेहनत के, बग़ैर जद्दोजहद के, बग़ैर लगन के, बग़ैर शौक के, बग़ैर जुनून के आगे जा सकते हैं, तो आप आगे नहीं जा सकेंगे। दुनिया में वो लोग कामयाब होते हैं जो अपने अंदर जुनून पैदा करते हैं, शौक पैदा करते हैं, कुछ बड़ा बनने का, कुछ करके दिखाने का, कुछ करने का। देखिए ना हमारी क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं, हम अपनी अपनी क्लासों में देखें ना कितने बच्चे पढ़ते हैं। आज से 20 साल के बाद जब हम देखेंगे उनमें से सारे लोग जाके ना बड़े आदमी नहीं बनेंगे, उनमें से कुछ लोग बड़ा नाम कमाएंगे, कुछ लोग एवरेज तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो जो बड़ा नाम बनाएंगे उसकी कोई ख़ास वजह होगी ना, उन्होंने पढ़ा बहुत अच्छा होगा, उन्होंने मेहनत बहुत अच्छी की होगी, उनके अंदर लगन और शौक बहुत अच्छा होगा, उनकी कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग होगी, ठीक है तब जाके उनको वो फल मिलेगा ना। तो पहली ज़िंदगी में सीढ़ी ये बनाएं कि आपने जिस भी शोबे में काम करना है, जो भी करना है, उसमें सबसे पहला असूल आपने अपनाना है मेहनत का, स्ट्रगल का, जद्दोजहद का। बग़ैर जद्दोजहद के चीज़ें नहीं मिलती, वो लॉटरी होती है, फिर किसी की निकल आती है किसी की नहीं निकलती है, लेकिन अगर आप स्ट्रगल करेंगे तो आप अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे। एक बात कि स्ट्रगल को अपना जुनून बनाना है, मेहनत को अपना जुनून बनाना है, शौक को अपना जुनून बनाना है। दूसरी बात, हम जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, कुछ करना चाहते हैं लेकिन लगता यह है कि शायद हम ना कर सकें, तो हम हिम्मत हार जाते हैं। तो हिम्मत नहीं हारनी, जब आप किसी चीज़ के पीछे पड़ गए ना तो उसके पीछे ऐसे पड़े जैसे हक होता है, हिम्मत ना हारें। बस हमारे अंदर बड़ा होता है कि हम जल्दी जल्दी सब कुछ हासिल कर लें, जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं, जल्दी जल्दी अच्छी नौकरी आ जाए, अच्छी चीज़ें मिल जाएं, ज़िंदगी की आसाइशें आ जाएं, फलां चीज़ हमारे पास आ जाए, फलां चीज़ हमारे पास आ जाए। हम सब जल्दी में हैं, हो सकता है आपके पास आ जाएं जल्दी में, लेकिन हर एक के पास जल्दी में नहीं आएंगे। जैसे आप अपनी एज के हिसाब से एज कवर करते हैं ना, तो एक ख़ास एज में जाके बड़े होते हैं, ठीक है ना। 20 साल के बाद आपकी एक और मंजिल होगी, 30 साल में एक और मंजिल होगी, तो हर एज के बाद बाद आपकी चीज़ें बदलती जाएंगी। इसी तरीके से जब जल्दी में होते हैं तो जल्दी का काम बाज़ औक़ात नतीजा दे देता है, लेकिन बाज़ औक़ात नतीजा नहीं देता, आप पीछे रह जाते हैं। तो जल्दी नहीं करनी, जो जितना स्टे करेगा ना विकेट पे खड़ा होगा, हाँ वो उतना बड़ा प्लेयर बनेगा, ठीक है। चाहे वो गेम है, चाहे वो डॉक्टर का शोभा है, चाहे वो उस्ताद का शोभा है, चाहे वो इंजीनियरिंग का शोभा है, जिसमें आप स्टे करेंगे, खड़े होंगे, तभी आप आगे की तरफ जा सकेंगे।
ये दूसरा गुर है। तीसरा ये है कि आज की दुनिया मोबाइल की दुनिया है, कंप्यूटर की दुनिया है, ये पुराना दौर नहीं है हमारा वाला जहाँ ये चीज़ें नहीं होती थी। आज टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ गई है और बड़ी तेज़ी से बदलनी भी है। आज ये वाली चीज़ है, कल और कोई चीज़ आ जाएगी। तो अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ें, कंप्यूटर के साथ जोड़ें, मोबाइल के साथ जोड़ें, अपने आप को लैपटॉप के साथ जोड़ें और उसमें से जितनी चीज़ें सीख सकते हैं ना, जो अपने शौक़ के खातिर वो सीखें। ये आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि आगे जो आपको मौका मिलेगा ना, वो ऑनलाइन मौके मिलने हैं। आज की दुनिया ऑनलाइन दुनिया है, आप इसके अंदर जाएंगे तो इसमें से आपको मौका मिलेगा। अगर आप इसमें नहीं जाएंगे तो घर बैठे कोई मौका नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ऑनलाइन अपने आप को अपडेट करें, अपने आप को लर्न करें, सीखें कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी ऐसी आ रही है जिसको हमें अचीव करना है, हमें सीखना है, ठीक है ना। जितनी आप चीज़ों को सीखेंगे उतनी आपकी खूबियाँ बढ़ती जाएंगी, आपका इल्म बढ़ता जाएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन मालूमात बढ़ती जाएंगी और आप अपने आप को बेहतर तरीके से अपडेट रखेंगे। तो इसलिए अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना है। चौथी चीज़, हर शख्स चाहता है कि हम अपने अंदर फिट रहें, चाहते ना सब लोग हम फिट रहें, अच्छी सेहत रहे, बीमार हम ना हो, है ख्वाहिश होती है ना कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। तो उसके लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। एक काम ये करना पड़ेगा, किसी स्पोर्ट्स के साथ अपने आप को जोड़ें, किसी खेल के साथ अपने आप को जोड़ें, चाहे लड़कियां हैं और चाहे लड़के हैं। अपनी लाइफ में खेल को भी अपना शौक बनाएं, क्योंकि जब आप खेल खेलते हैं ना तो आपकी पूरी बॉडी जो है वो हिलती है, और जब पूरी बॉडी हिलती है तो वो उसकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज होती है बॉडी की। तो आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत है, ठीक है। तो अपनी ज़िंदगी में वॉक करना, पैदल चलना, खेलना, कूदना, इसको भी अपनी ज़िंदगी के टाइम टेबल में डालें। ये ना कहें कि सिर्फ मैंने पढ़ाकू बच्चा बनना है। आप पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, इतना पढ़ लेंगे कि आपकी सेहत जो है वो डाउन हो जाएगी। तो ऐसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा है जिसमें सेहत डाउन हो जाए? ऐसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा है जो जल्दी आपको ऐनक लगा दे? ऐसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा है जो आपको बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर आपके लिए मसला पैदा कर दे? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पोर्ट्स होती है, खेल जो होते हैं, वो अल्लाह ताला ने उसको तख्लीक किया है इसलिए कि इंसान सेहतमंद रहे, ठीक है ना। अगर वो इंसान सेहतमंद नहीं होगा तो उसकी तीन निशानियाँ हैं, वो खाता बड़े अजीब तरीके से होगा, खाने की तरतीब उसकी ठीक नहीं होगी, खेल कूद वो नहीं करता होगा, वॉक वो नहीं करता होगा और ठीक तरीके से सोता नहीं होगा। ये जो चार चीज़ें हैं ना, अच्छा खाना ना खाना, अच्छा ना सोना, अच्छी खेल ना खेलना और अच्छा वॉक ना करना, इसका मतलब है कि आप सेहतमंद नहीं होंगे। चाहे आप जितनी मर्ज़ी तरक्की कर लें, जितने मर्ज़ी नंबर ले लें, जितनी मर्ज़ी आला पोजीशन ले लें, आपको अपने अंदर अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए खेल कूद करना होगा, ठीक है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके लिए मुश्किल पड़ जाएगी आगे जाके। अभी हो सकता है कुछ ना हो, लेकिन आगे जाके आपकी सेहत जो है वो आपको ख़राब करेगी, ठीक है। एक बात फिर आप ये देखिए, हम छोटे हैं, हम अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं, वो झूठ बोलते हैं, ठीक है। हमारे इर्द गिर्द बहुत से बच्चे, उस्ताद, पेरेंट्स, रिश्तेदार, मोहल्लेदार, सियासतदान, जिनको हम सुनते हैं, बाज़ूकात हमें लगता है कि ये झूठ बोलते हैं। तो हम भी अपने आप को फिर उसी तरीके से करना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं शायद झूठ बोलना ठीक होता है, हमें भी झूठ बोलना चाहिए, ठीक है। हम भी उनकी तरह का बनने की कोशिश करते हैं जैसे वो होते हैं। फिर आप में और उनमें फ़र्क कोई नहीं रहता, फिर आप भी अपनी ताकत जो है वो झूठ को बना लेते हैं और जगह जगह पर, कदम कदम पर कोई ना कोई छोटे मोटे झूठ जो है उसको बोलने का आगाज़ कर देते हैं। अब वो आगाज़ करते हैं छोटे झूठ से, आहिस्ता 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 वो इतने बड़े झूठ बन जाते हैं आपके लिए कि वो आपकी ज़िंदगी में मसाइल पैदा करते हैं। तो बेटा अपनी ज़िंदगी में ये असूल बना लें,
ये नहीं मैं कह सकता कि 100%, लेकिन इतना ज़रूर असूल बनाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपने झूठ नहीं बोलना, क्योंकि झूठ जो है ना वो आपको कमज़ोर करता है, ताकतवर नहीं बनाता, ये याद रखिएगा। क्योंकि आप शॉर्टकट मारते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, लोगों को गलत बात बताते हैं, फिर आपके बारे में, जैसे आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर पूछे कि आपको क्या तकलीफ है, तो अगर आप डॉक्टर को झूठ बोलेंगे तो आपका इलाज दुरुस्त नहीं होगा ना, वो गलत इलाज हो जाएगा, वो आपको गलत दवाई दे देगा। आपको बताना है कि आपको क्या तकलीफ़ है, कहाँ आपको तकलीफ़ हो रही है, ताकि वो आपके मर्ज़ को पहचान सके। इसी तरीके से अगर आप उस्ताद के साथ सच बोलेंगे तो वो आपको बताएगा ना कौन सी चीज़ आपको पढ़नी है और कौन सी चीज़ नहीं पढ़नी। अगर हम उस्ताद को उससे झूठ बोलेंगे तो फिर हम अपना भी नुकसान करेंगे। तो अपने आप को झूठ की तरफ नहीं जाना। और ये जो अभी आपने मुझे कहा है ना कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बैरिस्टर बनना है, स्पोर्ट्समैन बनना है, साइकोलॉजिस्ट बनना है, ये बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये तय करें कि इसको बनने के लिए क्या करना पड़ता है। एक अच्छा डॉक्टर कैसे बनता है, एक अच्छा इंजीनियर कैसे बनता है, एक अच्छा उस्ताद कैसे बनता है, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन कैसे बनता है, हाँ एक अच्छा वकील कैसे बनता है, एक अच्छा फौजी कैसे बनता है। ये सिर्फ ख्वाब देखना ज़रूरी नहीं होता कि जी मैं फौजी बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा। फिर ये देखें कि अच्छा टीचर कैसे बनता है, हम किसको अच्छा टीचर कहते हैं ये पता होना चाहिए ना आपको, हम किसको अच्छा फौजी कहते हैं ये पता होना चाहिए। फिर जब आपको पता होगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपने ऊपर उसको उतारेंगे, और जब आप उसको अपने ऊपर उतारेंगे तो फिर उस तरह का बनने की कोशिश करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या स्टेप होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्टेप्स कौन से हैं अगर मैंने डॉक्टर बनना है। अगर मैंने उस्ताद बनना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कौन से वो 10 स्टेप्स हैं जो मुझे एक अच्छा उस्ताद बनाएगा। ठीक है, इस तरह से हर शोबे का जिसमें भी आप जाना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, वो आपको स्टेपिंग के ऊपर चलना पड़ेगा। पहला स्टेप ये कहता है, दूसरा ये कहता है, तीसरा ये कहता है, चौथा ये कहता है, पांचवा ये कहता है, और इसी तरह से जितने भी स्टेप हैं वो आपको बताएंगे। लेकिन अगर हमने डॉक्टर बनना है और हरकतें हमारी डॉक्टर ना बनने वाली हैं तो फिर हम डॉक्टर तो नहीं बन सकेंगे। आपने बैरिस्टर बनना है तो अगर आपके अंदर वो एटीट्यूड नहीं है वो बोलने का, बात करने का, वकील बनने वाले जो एटीट्यूड होते हैं, तो फिर आप बैरिस्टर नहीं बन सकेंगे। वकील को तो बहुत बोलना पड़ता है ना, उसको आर्गू करना पड़ता है ना, स्पोर्ट्समैन को अपनी फिटनेस बरकरार रखनी पड़ती है ना, डॉक्टर को बड़ा पढ़ना पड़ता है आम आदमी के मुकाबले में, आम बच्चे के मुकाबले में डॉक्टर ज़्यादा पढ़ते हैं ना, उस्ताद ज़्यादा पढ़ता है ना, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल हो। तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो बनना कुछ चाहते हैं और कर कुछ और हैं, हरकतें आपकी कुछ और हैं, ख्वाहिश आपकी कुछ और है, ये तजाद है, ये टकराव है, ऐसा नहीं करना। जो बनना चाहते हैं उसके मुताबिक अपने आप को ढालें, जब आप उसको अपने मुताबिक ढालते हैं तो आप उस तरह से बन जाते हैं। जैसे हम घर में तय करते हैं कि हमने खूबसूरत बनना है तो हम जाते हैं शीशे के सामने, ज़रा हल्का फुल्का मेकअप करते हैं, पाउडर लगाते हैं, सब कुछ करते हैं ना अच्छा बनने के लिए ना। इसी तरह से हमें अपने कैरियर में भी अच्छा बनना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप बड़े आदमी तब बनते हैं, अच्छे आदमी तब बनते हैं, जब आप दूसरों की इज्जत करते हैं। आपके साथ बैठा हुआ आपका दोस्त, आपके पेरेंट्स, आपके रिश्तेदार, आपके उस्ताद और आपसे बड़े कोई भी हो, अगर आपने उनको इज्जत नहीं देनी तो कोई आपको इज्जत नहीं देगा। ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि इज्जत दो और इज्जत लो। ये नहीं हो सकता कि आप इज्जत देते रहें और लोग इज्जत ना लें, और आप वो इज्जत देते रहें और आप ना लें। ये गिव एंड टेक है, हम लेते हैं। तो अपने बड़ों के साथ कैसे बात करना है, उनके साथ हमारा बर्ताव क्या होना चाहिए, उनके साथ हम क्या ऐसी बातें करें जिसके साथ हमारी अखलाकियात बेहतर हो जाएं। जैसे हम अपने माँ बाप के सामने बात करते हैं अदब के साथ, तो माँ कहती है हमारा बच्चा देखें कितना फर्माबरदार है, कितना अदब वाला है, हमारा ख्याल करता है,
हमारी बात सुनता है। तो ये सब चीज़ें आपको अपने अंदर पैदा करनी है, क्योंकि बड़े आदमी बनने के लिए दूसरों को आपको इज्जत देनी होगी, अच्छे दोस्त बन के दिखाना होगा। हम कहते हैं ना, हमारा वो दोस्त है सबसे अच्छा दोस्त है, तो इसका मतलब उसमें कोई खूबी है ना, तो अच्छा दोस्त है। तो वो खूबियाँ आप भी अपने अंदर पैदा करें, ताकि दूसरे भी आपको कहें कि आप अच्छे दोस्त हैं। क्योंकि हमारी क्लास में अगर 40 बच्चे पढ़ते हैं, तो 40 के 40 तो हमारे दोस्त नहीं हैं, उनमें से 3-4 ही हमारे दोस्त हैं। वो जो 3-4 दोस्त हैं, इसका मतलब है उनमें कोई ख़ास बात है, अच्छे लगते हैं आपको, तो वो आप उन दोस्तियाँ पैदा करें, अच्छे दोस्त बने, अच्छे बहन भाई बने, अच्छे बच्चे बने, अच्छे माशरे में अपने आप को ऐसे ढालें कि लोग आपको ज़्यादा इज्जत के साथ, कदर के साथ, एहतराम के साथ देखें। तो ये दोस्तियाँ जो हैं वो आपको बड़ी ताकत देती हैं। अगर मैं आपको कहूँ ना, बेटा यहाँ पे बैठना है और 4 घंटे आपने बोलना नहीं है, तो आप परेशान हो जाएंगे पहले घंटे के बाद ही, क्योंकि हमें आदत है, फितरत कहती है कि आपने बोलना है, खामोश तो नहीं रह सकते आप। तो आपको बोलना है, तो बोलने के लिए आपको दोस्त चाहिए, लोग चाहिए, और अच्छे दोस्त हों, अच्छे लोग हों, तो आपकी बात ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है ना। तो लोगों को ये एहसास दें कि हम अच्छे हैं, हम आपके साथ भी अच्छे तरीके से चल सकते हैं। फिर लोगों की मदद करना सीखें। अब मदद ये नहीं होती सिर्फ पैसे की मदद करनी होती है, हर तरह से आप अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ खड़े होते हैं उनकी मुश्किल में, और जितनी मदद कर सकते हैं किसी भी किस्म की, वो हमें मदद करनी चाहिए। हम कहते हैं ना खुदा तरसी, तो इसके अंदर देखो खुदा तरसी है, ये अल्लाह के बंदों को प्यार करता है। तो ये काम हमें करने चाहिए ना अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ करना चाहिए। आपके साथ आपका कुलीग बैठा हुआ है, उसको कोई मदद चाहिए, आप उसकी मदद करें, ठीक है ना। अगर उसके पास पैसे नहीं है, आपके पास पैसे हैं, खा रहे हैं, तो उसको भी पूछ लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम बहुत सी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जिससे दूसरों को हम खुश कर सकते हैं, दूसरे हमारी बातों से, हमारे एक्शन से खुश हो सकते हैं। तो हमें लोगों को खुश रखना चाहिए, और जब आप लोगों को खुश रखेंगे तो लोग भी आपको खुश रखेंगे। देखिए ना, गिव एंड टेक है ना, लो और दो की बुनियाद है ना। तो जब आप कुछ देंगे तो कुछ लेंगे, कुछ लेंगे तो कुछ देंगे, इसी की बुनियाद के ऊपर ताल्लुकात चलते हैं ना। अब फिर आप मिसाल के तौर पे आप 6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं साइंस के या आर्ट्स के, अब हर सब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं लगता, कुछ सब्जेक्ट बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ सब्जेक्ट आपको कम अच्छे लगते हैं, तो उसमें आप पास हो जाते हैं। जो अच्छे लगते हैं उसमें अच्छे नंबर आते हैं, तो जो सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे लगते हैं उस पर आप सबसे ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि वो आपका स्पेशल सब्जेक्ट है, आपका ख़ास सब्जेक्ट है। अंग्रेज़ी है, उर्दू है, मैथ है, फिज़िक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, आगे जाके मुताला पाकिस्तान सोशल स्टडीज़ है, जिस भी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि ये बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है और मैं बड़े दिलचस्पी से पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, उस पर ज़्यादा तवज्जो दें, उस पर ज़्यादा मेहनत करें, ताकि आपकी स्पेशल एरिया जो है, हम कहते हैं ना कि आपका सब, आप कहते हैं मेरा मैथ बहुत अच्छा है, हाँ मैथ बहुत अच्छा है, कोई कहता है मेरी सोशल स्टडीज़ बहुत अच्छी है, कोई कहता है मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, कोई कहता है मेरी उर्दू बहुत अच्छी है। तो आपके 1-2 ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपका स्पेशल एरिया है, ठीक है ना, उस पर ज़्यादा तवज्जो दें, उस पर ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि उसी ने आपको आगे लेके चलना है, उसी ने आपको आगे बिल्ड करना है, जो आपका सबसे स्पेशल एरिया है उस पर आप जितनी तवज्जो देंगे उतना ज़्यादा आगे चलेंगे। और खाना भी खाएं, भूखे ना रहें, नाश्ता ना करना ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, नाश्ता तो करना चाहिए सबको, लेकिन घर का खाना खाएं ज़्यादा से ज़्यादा। ये जो हमें शौक पड़ गया है लेस का, चिप्स खाने का, ज़्यादा से ज़्यादा बोतलें पीने का, ज़्यादा से ज़्यादा सैंडविच, बर्गर, शवारमे खाने का, खाएं ज़रूर, ये नहीं मैं कह रहा कि ना खाएं, लेकिन ज़्यादा घर की खुराक खाएं, जो आपको बॉडी को फिट रखे। ये आपको बॉडी को कमज़ोर बनाता है, इसमें कोई एनर्जी नहीं है, इसमें कोई ताकत नहीं है,
ये बस फूड है। ऐसी चीज़ें खाएं, फल फ्रूट, जो आपकी जिस्म में बॉडी में ताकत लेके आए, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाए, आपकी एनर्जी को मजबूत बनाए। तो अच्छी खुराक भी खाएं, ये ना हो कि आप भूखे रहें, और जितना भूखा रहेंगे उतनी आपकी एनर्जी जो है वो डाउन जाती है, ठीक है ना, ताकत आपकी कम होती है। दूध पिए, तो मेरा मतलब है अपने खुराक के ऊपर भी तवज्जो देनी है, सारा जोर पढ़ाई पे नहीं लगाना, पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, अच्छा खुराक, खाना और अच्छा सोना, हैं, अच्छी वॉक भी करनी है, शाबाश, छोटा मोटा खेल खेलना है, फुटबॉल खेलो, हॉकी खेलो, क्रिकेट खेलो, बास्केटबॉल खेलो, बैडमिंटन खेलो, कैरम खेलो, कोई गेम लेके आओ। ये जो लूडो होती है, लूडो कैरम बोर्ड होता है, ये हमारे दिमागी खेल है, दिमाग के खेल हैं, जो यहाँ से खेलता है वो जीतता है, ठीक है ना, जो यहाँ से खेला जाता है दिमाग से वो जीतते हैं। तो ये जो लड़ाई है ना बड़े आदमी बनने की, ये कोई पैरों और हाथों से नहीं लड़नी हमने, ये दिमाग से लड़नी है। यहाँ से जो लड़ेगा ना वो जीतेगा, क्रिकेट में, हॉकी में जो यहाँ से खेलते हैं ना वो जीतते हैं, और जो शाहिद आफरीदी की तरह खेलते हैं ना वो जल्दी आउट हो जाते हैं, पहली गेंद पे छक्का मारा, दूसरी पे कैच हो गए, ठीक है ना, तीसरी पे एक चौका मार दिया, चौथी पे आउट हो गए, जल्दी आउट हो जाते हैं। अगर आपने लंबा खेलना है तो यहाँ से खेलें, कौन सी गेंद मारने वाली, कौन सी हिट करने वाली है, कौन सी नहीं खेलने वाली, उस तरह से खेलते हैं। और इसी तरह से पढ़ाई में अपनी डिवीजन करें, अपने आप को प्लान करें, कैसे मैंने प्लान करना है, कैसे खेलना है, कैसे पढ़ना है, कैसे खाना है, कैसे सोना है, कैसे दोस्तों से मिलना है, ये सारी बातें प्लान करें ना बेटा, तो फिर आप देखें कि आप ज़्यादा बेहतर नतीजा निकाल सकेंगे। लेकिन अगर हमने कोई प्लान भी नहीं करना, आवारा गर्दी करनी है, सो रहे हैं तो सोते रहेंगे, खेल रहे हैं तो खेलते रहेंगे, खा रहे हैं तो खाते रहेंगे, कोई काम की तरतीब नहीं है हमारी, और जिसकी तरतीब ठीक नहीं होगी ना वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो ख़राब हो जाएगा। हमें अपनी तरतीब ठीक करनी है, खेल के वक़्त खेल खेलना है, पढ़ते वक़्त पढ़ना है, सोते वक़्त सोता है, खाना खाते वक़्त खाना खाना है, दोस्तों से मिलते वक़्त दोस्तों से मिलना है। गोरे क्यों कामयाब होते हैं दुनिया में, ये जो बाहर की दुनिया में जो गोरे हैं ये क्यों कामयाब होते हैं, हैं, मेहनत भी करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो काम वो कर रहे होते हैं ना उस वक्त उनके दिमाग पर सिर्फ वही काम सवार होता है, खेल रहे हैं तो खेलते हैं, सो रहे हैं तो फिर सोते हैं, पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ते हैं, ये नहीं कि नमाज पढ़ रहे हैं, खेल ध्यान खेल में है, पढ़ रहे हैं तो दोस्तों की तरफ ध्यान जा रहा है, ऐसा नहीं करते। अपनी तवज्जो जो है वो उस काम पर लगाते हैं जो उस वक्त वो कर रहे होते हैं। अगर हम भी करें ना तो आप देखिए कि आपकी दिमागी सलाहियत कितनी बढ़ जाएगी, कैसे पॉलिश होगी। जो काम आप करेंगे शौक उसी के अंदर पैदा होगा, उसी पर तवज्जो देंगे, उसी पर आपकी दिलचस्पी होगी, उसी में आप इंजॉय करेंगे। वरना होता क्या है, हम बहुत से काम कर रहे होते हैं, कर कुछ रहे होते हैं, दिमाग इस वक्त कहीं और जाया गया होता है। मैं यहाँ पर आपसे बातें कर रहा हूँ, दिमाग मेरा इस वक्त किसी और जगह, तो मैं ना यहाँ सही तरह से बात करूँगा ना वहाँ पे अपनी सही तरह से तवज्जो दूंगा। तो जो काम कर रहे हैं ना उसके ऊपर तवज्जो दें, उसमें अपना शौक पैदा करें, उसमें अपनी दिलजमी पैदा करें, ठीक है ना, उसमें अपने आप को लेके चलें, तो फिर आप देखिए कि आप कितने अच्छे, आपकी चीज़ें बदल जाएंगी। अब तो ये डिजिटल मीडिया है, इसमें गेम्स बहुत अच्छी आ गई हैं, गेम्स खेलें, वो आपके दिमाग की सलाहियत जो है ना उसको बढ़ाता है। पजल्स आते थे ना, पजल्स ये बनाए, तो जो पजल्स बनते थे उससे क्या होता था, हम अपने दिमाग से खेलते थे ना, यहाँ पे भी मौजूद है। आप अच्छे अच्छे गेम्स निकालें, इसमें से लर्निंग गेम्स निकालें, अपने सब्जेक्ट के बारे में लिखें, कैसे, हाउ टू बिकम अ गुड डॉक्टर, आपको 10 बातें नीचे नजर आ जाएंगी, डॉक्टर बनने के लिए क्या ज़रूरी है। आप लिखें कि हाउ टू बिकम अ बैरिस्टर, आपको 10 बातें नजर आ जाएंगी, हाउ टू बिकम अ स्पोर्ट्समैन, 10 बातें आ जाएंगी। तो वो तो आपको गाइड कर रही है, आपको बता रहा है कि आगे बढ़ने के लिए ये स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
अगर आपने आगे बढ़ना है, ठीक है, तो वो स्टेप्स के मुताबिक चलें, इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें, वीडियोस का पॉजिटिव इस्तेमाल करें, ठीक है ना, कंप्यूटर का पॉजिटिव इस्तेमाल करें, मोबाइल का पॉजिटिव इस्तेमाल करें, और वो चीज़ें सीखें जो आपको सीखनी है, जो आपको आगे जाकर काम आनी है। अच्छा, कैसे लिखा जाता है? हमारे यहाँ लिखने की आदत नहीं है लोगों को, हम एक सफ़ा लिखना पड़ जाए तो मुश्किल पड़ जाती है। तो अच्छा राइटर कैसे बनता है, अच्छा स्पीकर कैसे बनता है, कैसे बोलना चाहिए? आपका नाम जब आपने वहाँ से बोला, मैंने कहा मुझे समझ नहीं आई, तो आप सोचिए कि इसका मतलब है कि वॉइस का कोई इशू है ना, आपकी क्लैरिटी का कोई इशू है, ठीक है, या आपकी पिच बहुत स्लो है, आप अपनी पिच को कैसे हाई करेंगे, ठीक है। मैं भी आपके सामने बोल रहा हूँ ना, मेरे पास ये लगा हुआ माइक, इसको ज़रा दो मिनट के लिए निकाल देंगे तब भी मैं ऊँचा बोलूँगा कि मेरा नाम ये है, इसलिए कि मेरे अंदर का एक माइक है, मुझे ज़्यादा लोगों के साथ बात करनी है। तो जब हम अपना तारुफ करवाते हैं, एक नॉर्मल तो ये ना कि मेरा नाम शाजिया है, जी मेरा नाम शाजिया है, पिच हाई कर देते हैं, ठीक है ना। आप अपने, मैं आपसे कहता हूँ आप दो मिनट अपना तारुफ करवाएं, आपको पता होना चाहिए कि मैंने तारुफ में क्या कहना है, सिर्फ नाम नहीं बताना, आप अपनी किस क्लास में पढ़ती हैं, कहाँ रहती हैं, अब्बू क्या करते हैं, हाँ बहन भाई क्या करते हैं, क्या बनना चाहती हैं, आपके क्या हॉबीज़ हैं, ऐसे तारुफ करवाते ना, चार पांच बातें बताते हैं ताकि आपके बारे में मैं जान सकूं। तो कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस आता है बेटा जितना बोलोगे, जितना लिखोगे, जितना एक्सपोजर लोगे। मैं आपको 10 दफ़ा इस स्टेज पर बुला के बात करवाऊँगा ना, तो 11वीं दफ़ा आपके मसल्स जो हैं वो ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे, आप घबराएंगे नहीं। लेकिन पहली दफ़ा जब मैं आपको स्टेज पे बुलाऊंगा तो आपको डर लगेगा, हाँ घबराहट होगी, ठीक है ना। तो ये कॉन्फिडेंस पैदा करें, अच्छा बोलना, अच्छा लिखना, अच्छा पढ़ना, खड़े होकर बात करना, जुरत के साथ बात करना, कॉन्फिडेंस के साथ बात करना, ये सारी बातें आपको सीखनी है अगर आपने एक अच्छा और बड़ा आदमी बनना है या बड़ी औरत बनना है। ये ऐसे नहीं बन जाएंगे आप, जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे तो आप बड़े होते जाएंगे, वो आप उम्र में बड़े होंगे लेकिन अपने टैलेंट में बड़े नहीं होंगे। अपने टैलेंट में बड़े होने के लिए आपको मेहनत करनी है, आपको अपनी डायरेक्शन तय करनी है कि कौन सी चीज़ मुझे करनी है और कौन सी चीज़ मुझे नहीं करनी है। ये तय करेंगे ना कि कौन सी चीज़ मैं करूँगा और कौन सी चीज़ मैं नहीं करूँगा, कौन सी चीज़ मेरे काम आएगी और कौन सी चीज़ है जो मेरे काम की नहीं है, मुझे इसके ऊपर अपनी एनर्जी जो है वो नहीं लगानी, अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करनी। तो ये बातें, आपकी बातें तो बहुत छोटी छोटी सी हैं, हमारी लाइफ में सब आपको बताते हैं, पेरेंट्स भी बताते होंगे, टीचर भी बताते होंगे, आपके फुप्पी फुप्पा, चाचा चाची, ताया ताई, खाला खालू, बड़े भाई बड़ी बहनें सब बताते होंगे, लेकिन हम भूल जाते हैं ना, सुनते हैं निकाल देते हैं, निकाल देते हैं फिर सुन लेते हैं। तो आप उसके ऊपर अमल करें। देखिए, याद रखिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक अमली इंसान नहीं हैं, अमल करने वाले इंसान नहीं हैं, सिर्फ सुनने वाले इंसान हैं, बातें करने वाले इंसान हैं, एक्शन कोई नहीं करना, तो फिर आप ठीक नहीं हो सकते। डॉक्टर की जो गोली होती है ना, वो कहता है अगर आप परहेज़ करेंगे तो ठीक होंगे, अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे तो ठीक नहीं। तो इसका मतलब है आपको परहेज़ करना है ना। इसी तरीके से आपको अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अमल करना है, पढ़ना है, लिखना है, बोलना है, चलना है, सोना है, खेलना है, कूदना है, ये सारे काम आप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है वो एक डिफरेंट तरीके से निकल कर सामने आएगी। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करेंगे, बिस्तर पे पड़े रहेंगे तो डल हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे, काहिल हो जाएंगे, चला नहीं जाएगा आपसे, खेला नहीं जाएगा आपसे, पढ़ने लगेंगे तो नींद आ जाएगी, नींद आएगी तो आंखें मसलते रहेंगे, नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब है, हमने अपनी लाइफ को प्लान नहीं किया अच्छे तरीके से। तो अपने अच्छे तरीके से लाइफ प्लान करें और ख्वाब देखें। ख्वाब देखना बुरी बात नहीं है, मैंने क्या बनना है, ख्वाब देखें, लेकिन ख्वाब देखने के साथ साथ फिर उन ख्वाबों की ताबीर के लिए, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें कुछ सोचना पड़ेगा, हमें कुछ समझना पड़ेगा, हाँ हमें उनके साथ कुछ अपने आप को बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। और बड़ों से मशवरा मांगें,
कि मैं ये करना चाहता हूँ। अभी जितना अपने लोगों ने कहा है ना कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, बैरिस्टर बनना चाहते हैं, स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, अपने बड़ों से पूछें कि मुझे क्या करना चाहिए इस काम को पूरा करने के लिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है, मुझे बताइए आप, अपने तजर्बे की बुनियाद पर अपने उस्तादों से पूछें, अपने पेरेंट्स से पूछें, अपने रिश्तेदारों से पूछें, हैं आप यहाँ पर आए हैं कासिम शाह फाउंडेशन में, यहाँ लोगों से पूछें कि सर मैं ये करना चाहता हूँ, ये मैं करना चाहती हूँ, मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। लोग आपको गाइड करेंगे, और देखिए गाइड उसको किया जाता है जो गाइड होने के लिए तैयार होता है। मैं आपको जितना मर्जी समझाता रहूँ, अगर आप समझना नहीं चाहते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं बोलता रहूँगा, आप सुनते रहेंगे, सुन के निकाल देंगे और यहाँ से उठ के चले जाएंगे। अगर आप खुद तैयार नहीं है ज़हनी तौर पर कुछ करने के लिए, तो आपके पेरेंट्स भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो ना, हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है उसका बच्चा बड़ा हो के अच्छा बने, लेकिन बाज नहीं बनते ना, इसका मतलब है पेरेंट्स की सारी बातचीत जो है उसकी किसी काम नहीं आई। तो ये जहन में रखें बेटा कि हमने अपने आप को पॉलिश करना है। आज से 10 साल बाद, 12 साल के बाद आपने एक अच्छे इंसान के तौर पर, एक कामयाब इंसान के तौर पर सामने आना है, जिस पर आपके पेरेंट्स फ़ख्र कर सकें, प्राउड फील कर सकें कि ये हमारे बच्चे हैं, आपके रिश्तेदार, आपके बहन भाई, आपके उस्ताद को फ़ख्र करें ना कि यार दीज आर माई स्टूडेंट, ये देखो मेरे स्टूडेंट हैं, इन्होंने कितना शानदार तरीके से परफॉर्म किया है। हाँ, तो उस्ताद को भी खुशी होती है, पेरेंट्स को भी खुशी होती है, बड़े बहन भाइयों को भी खुशी होती है, आपके रिश्तेदारों को भी खुशी होती है, देखो फलां का बच्चा जो है कितना अच्छा पढ़ गया, कितनी मेहनत के साथ उसने अपना मुकाम बनाया। तो जितना आप अपने अंदर चैलेंज लेके आएंगे ना कुछ करने के लिए, उतना चैलेंज आप कबूल करेंगे और उतना ही आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब आप मुझे बताएं कि जो बातें मैंने की हैं उसमें कोई बात आपने मुझसे पूछनी है, हैं क्यों, सारी बातें समझ आ गई हैं। अमल कितने लोग करेंगे, सारे करेंगे, अगर ये सारे करेंगे तो फिर अन्नी मच जाएगी, हैं फिर तो सारे अमल करना शुरू कर देंगे, शाबाश। देखो बात यह है बेटा, जो लाइफ है ना, जिंदगी, ये बड़ी कीमती है, और जिंदगी एक दफा ही मिलती है आपको। जब तक आप जिंदा हैं आप जिंदा रहेंगे, जब हम में से किसी का वक्त आ जाएगा छोटा बड़ा, वो दुनिया से गुजर जाएगा, हम सब ने जाना भी है। तो जो जिंदगी है ना, इसको इंजॉय करें, इसको हंसी खुशी गुजारें, जैसे भी हालात हैं हालात के अंदर रहना सीखें। मैं गरीब क्यों पैदा हो गया हूँ, मुझे अमीर होना चाहिए था, भाई आप गरीब हैं ना तो इस गरीबत के अंदर भी खुश रहा जा सकता है। हमेशा अपने बड़ों को देख कर ना अपने अंदर कमज़ोरी ना पैदा करें, अपने अंदर कमतरी ना पैदा करें, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, और शुक्र करें अल्लाह ताला ने आपको एक मुकम्मल इंसान बनाया है, आपको कोई माजूर नहीं बना दिया, आपको कोई मफलूज नहीं कर दिया, हाँ एक परफेक्ट हैं अभी आप माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला ने आपको पूरे तरीके से एक अच्छे इंसान के तौर पे, बच्चे के तौर पर आपको पैदा किया है, और आप उस पर प्राउड फील करें, जैसे हैं जो हालात हैं उसके अंदर कुछ करके दिखाएं। जितने बड़े लोग होते हैं ना, ये छोटी छोटे छोटे कामों से बड़े आदमी बनते हैं, बड़े से छोटा नहीं बनता, छोटे छोटे कामों से बड़े होते हैं। आप पहली नर्सरी में पढ़ते हैं तो फिर आप जाके मास्टर्स करते हैं ना, ठीक है ना, आप 5 साल की उम्र में जो काम करते हैं तो 50 साल की उम्र में उसका फल खाते हैं ना। तो आप छोटे कामों से स्टार्ट करें और बड़े कामों की तरफ जाएं, और जितना बड़ा काम आप टारगेट करेंगे ना उतना आप उसको अचीव करेंगे। आपके ड्रीम बड़े होने चाहिए, ख्वाब बड़े होने चाहिए, आपकी ख्वाहिशात बड़ी होनी चाहिए, आपकी मंजिल जो है वो बड़ी होनी चाहिए। और जब आप बड़ी चीज़ें देखते हैं तो उसमें से फिर आप अपने लिए हिस्सा निकालते हैं, फिर आपके लिए बहुत कुछ मिलता है उसके अंदर से। लेकिन अगर आप सोचते ही नहीं हैं और सिर्फ मातम करते रहते हैं, दुख का मातम करते रहेंगे, मर गए, खप गए, बस हमारी किस्मत ख़राब, हाय ये वो, तो आप ऐसे ही रहेंगे बस, फिर आपको कोई नहीं बदल सकता। मातम नहीं करना आपने, उसके अंदर स्ट्रगल करनी है और स्ट्रगल करके आगे बढ़ना है, उसके साथ अपने आप को आगे लेके चलना है। तो मंजिल आपकी है, रास्ता आपका है, ख्वाब आपके हैं,
मुस्तकबिल आपका है, आपने तय करना है बेटा कैसे हमने आगे बढ़ना है। अगर माँ बाप ने नहीं बताया, उस्ताद ने नहीं बताया, तो आज की दुनिया तो मीडिया की दुनिया है, मैंने बताया डिजिटल दुनिया है, उसमें से तलाश करें कि हमें क्या करना है और हमने कैसे आगे जाना है, ठीक है ना। तो फिर आप देखिएगा कि आप कैसे अपने आप को पॉलिश करते हैं। अब देखिए, हमारे यहाँ अल्लाह ताला ने हर इंसान में, लड़का या लड़की, कुछ खूबियाँ उनके अंदर रखी होती हैं, कुछ खूबियाँ होती हैं हर इंसान के अंदर, कुछ खूबियाँ भी हैं ना, सिर्फ खामियाँ नहीं होती। अपनी खूबियों को अपनी ताकत बनाएं और अपनी खामियों को दूर करने की कोशिश करें। जो आपकी खूबी है ना, वो आपकी ताकत है, वो आपको आगे लेके जाएगी, याद रखिएगा। अपनी खूबियों को पहचानें, उनको अपनी ताकत बनाएं, उनके साथ आगे बढ़ें, उनको साथ लेके चलें, उनको लोगों के साथ शेयर करें, दोस्तों के साथ, कुलीग्स के साथ, बहन भाइयों के साथ। हम कहते हैं देखो ये कितनी अच्छी बच्ची है, ये कितना अच्छा बच्चा है, तो जब हम कहते हैं ना कितनी अच्छी और कितना अच्छा, तो इसका मतलब है हमें तीन चार बातें उनकी बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए वो अच्छा और अच्छी है ना। तो ये खूबियाँ पैदा करें, ये कोई अल्लाह ताला ने थोड़ी आपके अंदर ऊपर से खूबियाँ बना के भेजी हैं। हम दुनिया में सीखते हैं, हम दुनिया में सीखते हैं, उससे हमारी खूबियाँ बेहतर होती हैं। और अगर हमने दुनिया में खराबियाँ सीखनी हैं, तो उससे हम बुरे बन जाएंगे। और अगर हमने अच्छा सीखना है, तो उससे हम अच्छा बन जाएंगे, ठीक है ना जी। तो उससे हम अच्छा बन जाएंगे। तो मेरी गुजारिश ये है आखिर में कि आप सब लोग, जितने भी बच्चे हैं, अभी आपके पास बहुत टाइम है, माशाल्लाह, अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, फिर कॉलेजों में जाना है, फिर यूनिवर्सिटी में जाना है और कुछ करके दिखाना है। तो अभी से अपने आप को प्लान करो बेटा, अगर प्लान करोगे तो आगे जाओगे, प्लान नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। तो फैसला आपने करना है कि हमने आगे जाना है या पीछे जाना है। पीछे जाना है तो उसका हरकतें, उसका आते ही है कि कुछ ना करें और आराम से बस ज़िंदगी गुजारें, और कुछ करना है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें ताकि आप बेहतर तरीके से अपने गोल जो हैं, अपने टारगेट जो हैं, वो आप अचीव कर सकें, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा, जो बातें मैंने आपको की हैं उनमें से कुछ बातों पर ज़रा सोचिएगा और उस पर अमल करने की कोशिश करें, ताकि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने मकासद जो हैं, ऑब्जेक्टिव जो हैं, वो हासिल भी कर सकें और हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हम पे प्राउड फील कर सकें, फ़ख्र कर सकें कि देखो हमारे बच्चों ने इतनी मेहनत की है और आज वो इस मुकाम पे खड़े हैं। तो माँ बाप को भी बड़ी खुशी होती है, उस्ताद को भी खुशी होती है, आपके बड़ों को भी खुशी होती है। तो अच्छा सा बन के दिखाने की कोशिश करें, अभी से इसके ऊपर कोशिश करेंगे तो कल इंशाल्लाह आपका अपना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा।